हेलो एवरीवन, आज क्वेश्चन है सिंपल नीट ट्रस्ट का ही। और क्वेश्चन ऐसे है कि अ सम ऑफ रुपीज 1780 बिकम्स रुपीज 2136 इन 4 ईयर्स। मतलब कोई सम है वो इतने रुपीज से इतना हो जाता है 4 ईयर्स में। तो अंडरस्टूड है, ये पी है और ये अमाउंट है 4 ईयर्स में। रेट इज नॉट गिवन, तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसका आता है द सम दैट विल बिकम 810। यहाँ पे सम हमें नहीं दिया हुआ है, प्रिंसिपल, और वो इतना हो जाता है जो कि अमाउंट है इन 7 ईयर्स। टाइम 7 ईयर्स दे रखा है एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब जो ये वाला इंटरेस्ट आएगा आंसर, उसी इंटरेस्ट पे ये 810 रुपीज हो जाता है। तो इसका प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसका हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन करते हैं, पहले क्वेश्चन पे पी है, ए है, तो हम अमाउंट में से प्रिंसिपल अगर माइनस करते हैं तो हमें ऐसा ही पता चल जाता है। तो वैसे ही करते हैं, देखेंगे क्या क्या गिवन है इन क्वेश्चन नंबर 1। पी इज इक्वल टू 1780, अमाउंट इज इक्वल टू 2136, टाइम इज इक्वल टू 4 ईयर्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे एस आई इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 2136 माइनस प्रिंसिपल कितना है 1780, जिसको मैंने माइनस करा तो आता है 356। मेरे पास अमाउंट भी है, प्रिंसिपल भी है, एस आई भी है। रेट निकालने के लिए मुझे अमाउंट की तो जरूरत नहीं है, मुझे एसआई, प्रिंसिपल और टाइम की जरूरत है। तो रेट का फॉर्मूला क्या बनता है, एसआई मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट, यहाँ है पीआरटी में से तो आर यहाँ रहेगा, पी इंटू टी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। देखेंगे एसआई कितना है 356 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है 1780 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 4। 10 से 10 कैंसिल हो रहा है, 4 1 4, 4 8 32, 3 इधर आता है, 4 9 36, ऊपर आता है 89 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 178। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 890 आएगा अपॉन में 178 आएगा, जिसको हम कट करेंगे तो वो आ जाएगा डायरेक्ट 5। ओके, मैंने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया है, तो आंसर रेट कितना आया हमारा, रेट इज इक्वल टू 5%। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड वाला, द सम दैट विल बिकम, वी हैव टू फाइंड द सम जो बन जाता है 810 इन 7 ईयर्स, 7 सालों में वो अमाउंट कितना हो जाता है 810 रुपीज एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आया 5%, तो उस पर हमारा ये अमाउंट बन जाता है। तो वी हैव टू फाइंड आउट हेयर प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल तो हमें पता नहीं है, जब अमाउंट गिवन हो तो हम प्रिंसिपल लेट करते हैं एक्स। देखेंगे कैसे, लेट द प्रिंसिपल बी एक्स हो गया, अमाउंट कितना गिवन है 810 और टाइम 7, अमाउंट है 810, टाइम कितना गिवन है 7 ईयर्स। अब तो रेट भी पता चल गया, तो रेट कितना है 5%। अब यहां देखिएगा, मेरे पास प्रिंसिपल एक्स है, रेट दिया हुआ है, प्रिंसिपल निकालने के लिए हम क्या करते हैं एसआई का फॉर्मूला लगाएंगे। अब एसआई भी नहीं पता है, तो एसआई कैसे निकलेगा, एस आई इज इक्वल टू अमाउंट दिया हुआ है ना, तो जो दिया होता है उसी को ले लेते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है 810, प्रिंसिपल कितना है एक्स, तो ये जो आ गई मेरी एस आई आ गई, ठीक। अब हम फॉर्मूला रखते हैं, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एस आई कितना है 810 माइनस एक्स इज इक्वल टू पी कितना है एक्स, आर कितना है 5, टी कितना है 7 अपॉन 100।
यहाँ देखेंगे जब ये वाले क्वेश्चन हो, इधर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इवन 9th स्टैंडर्ड के बच्चे भी ये गलती कर जाते हैं कि यहाँ पे इसको ऐसे स्प्लिट कर देते हैं, 810 अलग है और एक्स अलग है। अगर मैं इधर से लाती हूँ एक्स को अलग, तो वो इसके यहाँ पे आके प्लस का साइन लगेगा, ठीक है। फिर मुझे 100 कर यहाँ पे सॉल्व करने के लिए एक्स के नीचे 1 लगाऊंगी और एलसीएम लेके क्वेश्चन करूंगी। तो उससे बचने के लिए यहाँ पे इसके नीचे 1 लगाइए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये यहाँ जाता है तो 810 माइनस का एक्स इज इक्वल टू 5735, 35x हो जाता है, क्लियर है। अब देखेंगे ये 35x हो गया, इसके अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं 81020 और 12 माइनस 100x इज इक्वल टू 35x, 81000 इज इक्वल टू 35x, इधर माइनस का था इधर आके प्लस का 100x, 81000 इज इक्वल टू 135x। यहाँ मल्टीप्लाई में अब हम इसको यहाँ डिवाइड में सेंड कर देंगे, डिवाइड में हम ले आएंगे, जब मैं इसको काटूंगी डायरेक्ट डिवाइड करूंगी तो आता है x इज इक्वल टू 600। तो मुझे प्रिंसिपल क्या मिल गया, 600 रुपीज। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बस पहले क्वेश्चन के आंसर को यूज करके हमें दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, प्लीज इसको अच्छे से कर लीजिएगा और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले आप उसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।